नहीं किसी को नहीं बताया था, गांव से भाग गया था। अच्छा। और रास्ते में ही मेरा चप्पल चोरी हो गया, कंबल उम्बल था जो चादर होता है ना गांव से, हाँ। तो वो सब मैं लेके आ रहा था, तो मथुरा में मेरा चोरी हो गया। अच्छा। ये देखिए इस गली के अंदर एक तरफ से तो ये देखो दीवार मेरे चिपकी हुई है और इधर से भी दीवार मेरे चिपकी हुई है और ये गली है। अब इसके अंदर कोई सामने से आ गया तो भाई साइड लेना बहुत ही मुश्किल है। तो अब इस इतनी सी जगह का आप कितना क्या भाड़ा देते हो और क्या लोग कितने क्या रहते हो, थोड़ा सा जान रहे? ये तो हम लोग का जैसे अभी छोटा मोटा रूम है, हाँ। और ये मुंबई में छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हाँ। क्योंकि हाँ। मुंबई में ये रूम मिलना जैसे बहुत मुश्किल होता है। मुंबई में एक ही कहावत है, हाँ। कि मुंबई में काम आसान है लेकिन रहना खाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब देखो एक ये देखो मैं ऐसे ये बैठा हूँ दीवार के पास में, इधर ये सैफ भाई बैठे हैं और उधर जय भाई बैठे हैं और उधर वो रसोई आ गया, मतलब ये इतना सा रूम है, बस तीन जने बैठे हैं और इधर ये देखो बर्तन पड़े हैं और सामने ये वॉशरूम आ गया इधर, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी मैं हूं दोस्तों मुंबई की फेमस जगह गोरेगांव के अंदर जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है यहां पर। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा जहां पर लोगों के सपने बनते हैं और टूटते भी हैं। दोस्तों एक तरफ फिल्म के बहुत ही बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं, बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, और दूसरी तरफ बनी हुई है झुग्गी झोपड़ियाँ, झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है। और दोस्तों गांव और अलग अलग शहरों से भाग के आने वाले जो भी युवा लोग होते हैं उनका किस प्रकार का झोपड़पट्टियों में जीवन होता है, कैसा स्ट्रगल होता है, कैसे यहाँ पर काम मिलता है, मैं यहाँ झोपड़पट्टियों के घरों के अंदर जा जाकर आपको वहाँ का घर दिखाऊँगा। तो बने रहना इस वीडियो को अंत तक, ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कभी दोस्तों आपके भी इस प्रकार से मन में आया होगा कि भाई मैं भी भाग के एकदम चोरी छुप के घर से निकल जाऊं और मुंबई जाऊंगा और वहां पर बहुत बड़ा हीरो बनकर मैं अपने घर पे जाऊंगा और फिर मैं वहां से मर्सिडीज़ और बड़ी बड़ी कारें लेकर गांव में आऊंगा तो पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा आपने भी सोचा होगा। तो फिलहाल असली यहां का स्ट्रगल और जीवन मैं आपको यहां का मैं दिखाई दूंगा, किस प्रकार का गोरेगांव का यहां पर स्ट्रगल है, किस प्रकार का जीवन है, कैसे यहाँ पर एक छोटे से कमरे के अंदर लोग रहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ की आप गलियाँ देख सकते हैं, फिल्म सिटी के जस्ट ऑपोजिट साइड का ये इलाका है गोरेगांव का। दोस्तों कुछ काम चल रहा है यहाँ पर फिटिंग विटिंग का और ये इस प्रकार के देखो झोपड़पट्टी और घर बने हुए हैं और आगे की गलियाँ तो भाई साहब एक सिंगल आदमी ही चल पाएगा, इस प्रकार की गलियाँ हमको भी देखने को मिलेगी। आसपास के ये घर आपको देखने को मिल रहे हैं, आप लगातार ये इस प्रकार से दोस्तों फिल्म सिटी के ऑपोजिट साइड का जो है वो इस प्रकार का इलाका आप देखने लग रहे हैं, इस प्रकार का रहन सहन है यहाँ का। और जो आने वाले टाइम के बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान और बड़े बड़े जो स्टार है वो यहाँ पर अभी फिलहाल रह रहे हैं, वो आने वाले टाइम में स्टार बनने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, हेलो। तो इस प्रकार के फ्रेंडली लोग भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर, हाय हेलो भी करने लग रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर, ये माहौल है, ये सब देखो। और सलमान खान ये देखिए, बच्चे लोग इस प्रकार से कंचे भी खेलने लग रहे हैं, काफ़ी कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखो ये गलियाँ हैं भैया का, जैसे जैसे मैं भीतरी इलाकों में जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ये इस प्रकार की गली आ गई है, बिल्कुल पतली पतली सी गलियाँ हैं। जैसे जैसे भीतरी इलाके में जाएंगे वैसे वैसे इस प्रकार से कंजस्टेड होता जाएगा एरिया सारा। और छोटो ये देखो साइड भी लेना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल होता है, ये बहुत ही पतली और अंधेरी गलियाँ देखने को मिलेगी यहाँ पर। ज़्यादातर जो हीरो बनने के लिए जो लोग यहाँ पर लड़के युवा लोग आते हैं या फिर जिनको फिल्म सिटी में काम करना हो तो ज़्यादातर इसी इलाके में रहते हैं और बहुत ही छोटी छोटी जगहों का बहुत ही ज़्यादा भाड़ा होता है यहाँ पर। बहुत सारी लड़कियाँ भी है, ऐसा नहीं है लड़के ही आते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी घर से आ जाती है यहाँ पर रहती है और फिल्मों में काम करने के लिए, मॉडलिंग के लाइन के अंदर जाने के लिए इस प्रकार से। तो बहुत फेमस इलाका है यहाँ का। ऊपर से भाई साहब पानी गिरने लग रहा है इधर, और रे भाई साहब बहुत मुश्किल हालात है यहाँ का, ये देखो ऐसे पानी गिर रहा है पीछे। ये देखिए इस गली के अंदर एक तरफ से तो ये देखो दीवार मेरे चिपकी हुई है और इधर से भी दीवार मेरे चिपकी हुई है और ये गली है। अब इसके अंदर कोई सामने से आ गया तो भाई साइड लेना बहुत ही मुश्किल है, ये हालात है। देखो ये है गली पूरा इस प्रकार से, तो ऐसी गलियों के अंदर घर बने हुए मिलेंगे। ये इस प्रकार की जैसा कि आप गली देख रहे हैं और यह इस प्रकार से घर है यहाँ पर, और ये लोहे की सीढ़ी बनी हुई है जो अंधेरे के अंदर शायद आपको दिखेगी नहीं, और मैं ऊपर चढ़ता हूँ और आपको यहाँ का जीवन दिखाता हूँ भाई, गोरेगांव का भी भाई, कैसे स्ट्रगल भरी लाइफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम देखने वाले हैं गोरेगांव के अंदर जो हीरो हीरोइन का स्ट्रगल का रूम होता है दोस्तों, वो यहाँ पर
चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो स्ट्रगल करती है वो यहाँ इसी प्रकार के रूम के अंदर रहती है। और ये रूम की जो नॉर्मल जो साइज है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि ये शायद यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा 8x8 का ही रूम है। अब जैसे सैफ भाई आप ऐसे जैसे सीधे सोएंगे, ये देखिए ये सीधे सो रहे, तो उनका जैसे ये सिर वहां पर लग रहा है और ये पांव यहाँ तक आ गया और लगभग 1 फीट की ही दूरी है और ये गैस टंकी और ये किचन आ गया। मतलब एक आदमी ही बड़ी मुश्किल से सो पाएगा। तो वहां पर ये इस प्रकार से एक आदमी सोया, यहाँ पर 2-3 ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऊपर ये ऐसे इस प्रकार से सोते हैं। इस रूम का अगर मैं दोस्तों आपको गेट दिखाऊं तो ये इस प्रकार से फर्श पर इस प्रकार से गेट लगा हुआ है और ये इस प्रकार से ये दरवाजा दे देते हैं जब बाहर जाते हैं, नीचे से कुंडी मार देते हैं नहीं तो इस प्रकार से खुला कर देते हैं। और ये इस रूम का कुछ आपको एंट्रेंस आपको दिखाता हूँ कि ये किचन है, इधर ही जस्ट पास में ये बाथरूम बना हुआ है, बर्तन धोने की व्यवस्था वगैरह सारी अंदर है। और थोड़ी सी आपको बाहर से दिखाऊं तो ये इस प्रकार से इनकी एक बालकनी भी है, सामने भी ये देखिए रूम बना हुआ है इस प्रकार से। और ये बाहर का माहौल है, अभी जस्ट बाहर बारिश हो रही थी, थोड़ी रुक गई, हर 10-15 मिनट में बारिश स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर भी मुंबई में देखिए ये जो पत्थरों से जो पानी आता है ये इस प्रकार से नाली बनाई हुई है, नाली से ये पानी वापस पाइप से लेकर स्टोर करते हैं। पानी की बड़ी किल्लत है भाई मुंबई के अंदर। और ये बाहर की गलियां हैं, जैसा कि ये लोग जा रहे हैं, देखो आप अंधेरी पतली पतली गलियां, एक सिंगल आदमी ही चल पाएगा यहाँ पर। इसी रूम के अंदर अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो आप देखिए 8x8 के छोटे से रूम के अंदर ही इस प्रकार से किचन बना हुआ है और जस्ट पास ही के अंदर आप देखिए कि इस प्रकार से ये नहाने के लिए बाथरूम भी बनाया हुआ है, नहाने का काम यहाँ पर होता है और यहाँ पर पास ही में ये सोने का काम होता है। तो भाई मुंबई के अंदर इतनी सी जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। और अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं जय भाई। जय भाई आपका यात्रा गुरुजी मंच पर हार्दिक स्वागत है और हम इनसे अब जानने वाले हैं कि ये शुरुआत में कैसे मुंबई यहाँ पर पहुंचे, यहाँ का कितना भाड़ा है क्या है। तो जय भाई आप अपने बारे में बताइए कि कैसे शुरू में आप गाँव से यहाँ पर पहुंचे और क्या क्या आपको यहाँ पर मुंबई के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और कैसे आपका जो जीवन है उस टाइम बीता था। तो सबसे पहले तो मैं मुंबई आया था तो गांव से भाग के आया था। अच्छा, भाग के आए थे मतलब? हाँ, किसी को नहीं बताया थे? नहीं, किसी को नहीं बताया था, गांव से भाग के आया था। अच्छा, और रास्ते में ही मेरा चप्पल चोरी हो गया, कंबल उम्बल था जो चादर होता है ना गांव से। हाँ, तो उस समय लेके आ रहा था तो मथुरा में मेरा चोरी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं मुंबई में आया। हाँ, कैसे कैसे भी आया। हाँ, और वो भी बिना टिकट का आया था। अच्छा, बिना टिकट कैसे? हाँ, नहीं थे अब नहीं उतना मतलब। हाँ, भागने टाइम बिना टिकट का ही चढ़ लिए जनरल में। ठीक है, और आगे कैसे कैसे पहुंच गए मुंबई में। अच्छा, फिर आए तो CST में गए। अच्छा, तो वहाँ से आए शिवाजी महाराज टर्मिनल। मैं गाँव में पहले देखता था वीडियो वीडियो। अच्छा, जैसे फिल्म सिटी में काम करना है मेरे को, फिल्म लाइन में काम करना था, बहुत शौक था। हाँ, तो मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं जाऊँ मुंबई। हाँ, में और वहीं पे फिल्म सिटी में कोई ना कोई जगह काम मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से भागा आया। फिर पता चला कि गोड़े गाँव में पूरा फिल्म सिटी है, जो फिल्म लाइन में जो भी सामान लगता है तो सब चीज़ का यहाँ पे है। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है। तो फिर मैं वहाँ से आया यहाँ पे, और आया तो कि कोई जान पहचान का था नहीं, कोई गांव का भी नहीं था, आज भी कोई गांव का यहां पे नहीं है मेरे मतलब जान पहचान का। अच्छा अच्छा, तो मैं आज भी मुंबई में अकेला ही रहता हूं। अच्छा, और इस रूम में हम लोग 5 आदमी रहते हैं। अच्छा, इतने छोटे से रूम में? हाँ हाँ, और फर्स्ट बार तो मैं आया था तो गोरेगढ़ स्टेशन पे सोता था। अच्छा, काफी मच्छर उच्छर काटता था। अच्छा, खाने पीने पर 766 रुपया बचा था, मैं पूरे स्टेशन तक आया था। अच्छा, तो उसी पैसा में कैसे कैसे चलाया, 7-8 दिन चला, फिर समाप्त हो गया पैसा। तो मतलब 7-8 दिन आप स्टेशन पे बिताया आपने? हाँ, नहीं ज्यादा दिन बिताया था। अच्छा, मतलब उस पैसा में 7-8 दिन मतलब खाना पीना खाता था जब तक तो पैसा था। तो ठीक है, अब 200-300 जैसे बचा। हाँ, तो मैं सोचा कि अब तो कोई काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा तो कहाँ से फिर खाऊंगा। हाँ, खाने का भी प्रॉब्लम है। उसके बाद काफी सारा होटल में भी मैं बोला कि काम दे दो। अच्छा, फिल्मों में होता है ना कि हाँ जाता है होटल में काम मांगने, तो उस तरह से मैं भी गया। हाँ, और काम मांगा, कोई नहीं काम देता मुंबई में, साफ सफाई का भी नहीं देते। नहीं, होटल में भी मैं बहुत जगह ट्राई किया, उससे काम दे दो काम दे दो, कोई नहीं दिया। जब तक उसका फायदा ना हो तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं कुछ दिन तक ले सोया वहीं पे स्टेशन पे, फिर मेरे को काम मिला शुरू शुरू में। ऐसे ही मतलब स्टेशन पे ही कोई कोई बंदा जाता था, उससे उससे बोलता था कि भाई कोई काम मिलेगा। हाँ, तो एक बंदा हमको शुरुआती में ले गया जूनियर आर्टिस्ट में। जूनियर? हाँ, उस दिन तो मेरा किस्मत खुल गया, मतलब इस तरह से मैं सोचा था। अच्छा, तो मैं आ गया फिल्म लाइन में काम करने के लिए। अच्छा, गया था वेब सीरीज का था। हाँ, तो उसमें जूनियर आर्टिस्ट में गया, और वेब सीरीज सीरियल ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो उसमें गया मैं और आया तो वहाँ से 300 रुपया मिला हमको, 400 रुपया। अच्छा, 300 रुपया दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ा मतलब। हाँ, 300 रुपया काम करने का दिया। हाँ, और 100 रुपया दिया हमको इसे आने जाने का खर्चा। हाँ, एक बंदा हमको बोला जो कंपनी का मालिक था। हाँ, उसके पास गया तो वो बोला कि काम दूंगा तुमको, लेकिन शुरुआती में 1 रुपया। अच्छा, तो
तो फिर मेरे को तब काम मिल गया लेकिन रहने का जुगाड़ नहीं था, रहने का नहीं। हाँ तो मैं फिर बोला कि तो फिर मैं रहूँ कहाँ, बोला कि कहाँ रहते हो, मैं बोला कि संतोष होता हूँ। अच्छा तो समझा कि चोट चुहार होगा। हाँ फिर बोला कि तब नहीं रखेंगे, मैं बोला कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, मैं गाँव से भाग गया हूँ कि रख लूँ मैं आपके गोडाउन पर रहूँगा। अच्छा तो बोला ठीक है कि, तो मैं गया वहाँ गोडाउन पर। उसके बाद में गोडाउन पे सबसे बड़ा मेरा ये मुसीबत का दिन था। अच्छा कि गोडाउन पे सोने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा 5 घंटा मिलता था। अच्छा बाकी पूरा काम। उसके बाद में गाड़ी आता था बड़ा बड़ा ट्रक, उसमें सामान आता था तो मैं अकेला नहीं खाली करता था। हाँ। उसका भी बंदर आता था। अच्छा लेकिन खाली करवाना फिर लोडिंग करवाना इस तरह से हो जाता था। अब मैं उस टाइम और दुबला पतला था। अच्छा उस टाइम समझिए कि मैं 38 किलो का हो गया था। अच्छा अच्छा और तो उसमें बहुत पैसे नहीं मिलते थे, पैसा नहीं देता था, खाना वाना देता था। तो वैसे 3-4 महीने तक ले चला। अच्छा कुछ कुछ पैसा देने लगा, 500-700 ऐसे 400, वहाँ काफ़ी दिन रहा, साल भर, डेढ़ साल दो साल। फिर काम सीख लिया। अच्छा। जब काम सीख के निकला तो मैं हीरो बन के निकला। अच्छा तो अभी आप प्रेजेंट में क्या करते हो? अभी तो अच्छा काम करता हूँ, लाइट में काम करता हूँ, लाइट ऑपरेटर भी हूँ, लाइट मैन भी हूँ। अच्छा और लाइट बॉय मतलब तीनों बोलते हैं, लेकिन ऑपरेटर का भी काम करता हूँ। ऑपरेटर में हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, लाइट मैन में कम मिलता है। तो ये बड़ी बड़ी जो फिल्में बनती है वहाँ पर मतलब कैमरा मैन ये लाइटिंग वगैरह ये काम रहता है? तो उसमें कैमरा मैन रहता है अलग, डीओपी अलग है, वहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट है। फिल्म लाइन में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी एक आता है ऑपरेटर, लाइट ऑपरेटर, जो आजकल डिजिटल आ गया है, लाइट भी मोबाइल से चलता है, तो ज़्यादा मैं वही चलाता हूँ। आराम से लाइट जाऊँगा, मोबाइल से ऑन ऑफ करना रहेगा। अच्छा कलर चेंजिंग, कलर जो भी बताएगा, वो डिस्को करना है क्या करना है, ये सब करता हूँ और बस यही अपना है। अच्छा अच्छा तो आज अभी जैसे आप दिन का कितना कमा लेते हो, जैसे अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो? ऐसे मैं अभी अभी जैसे ऑपरेटर में जाता हूँ, हाँ तो 2500-3000 एक दिन का, हाँ 2200-2400 ऐसे होता है, मतलब 12 घंटे का। अच्छा 12 घंटे का उभर गया तो उसका सीधा 1.5 शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा तो अगर मेरे को 2500 मिल रहा है तो 1.5 शिफ्ट हुआ, तो फिर 2500 का आधा 1200-1250 ही आ गया, और फिर उधर से आगे 2500 मतलब जोड़ ओवर टाइम करते हैं, मतलब जितना एक्स्ट्रा जुड़ता है उसका जुड़ जाता है, सीधा आधा जुड़ता है, पर डे का सीधा आधा ही होता है, इसमें जैसे घंटा भाई नहीं जाता है। तो अब जैसे जो गांव से जो लोग भाग के आते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि भाई सीधा जाते ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाएंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं होता है? बहुत भटका हूँ। अच्छा। मैं ही जा रहा हूँ, मैं कितना मैं रोया, हाँ कितना क्या क्या किया, मैं ही जा रहा हूँ। तो अब इस इतनी सी जगह का आप कितना क्या भाड़ा देते हो और क्या लोग कितने क्या रहते हो, थोड़ा सा जान रहे? ये तो हम लोग का जैसे अभी छोटा मोटा रूम है। हाँ। और ये मुंबई में छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ क्योंकि हाँ। मुंबई में ये रूम मिलना जैसे बहुत मुश्किल होता है। मुंबई में एक ही कहावत है कि मुंबई में काम आसान है लेकिन रहना खाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और सही बात है, मुंबई में आके काम किसी को भी मिल जाता है। हाँ। कोई भी काम इधर उधर ढूंढ लेगा, महीना भर लगेगा, 2 महीने लगेगा लेकिन ढूंढ लेगा। हाँ। लेकिन रहने का जगह नहीं है, जगह कोई जल्दी नहीं रखता है। नहीं। तो यही सब बहुत प्रॉब्लम है मुंबई में रहने। इसका भाड़ा कितना? इसका भाड़ा हमारा है 5000 रुपया और 5 आदमी रहते हैं, लाइट बिल और पानी का भी अलग से। अच्छा तो पानी की क्या व्यवस्था है? पानी क्या व्यवस्था ये है, देख सकते हैं इसमें हम लोग बाहर से देखिए इधर से। अच्छा मतलब पानी जो दोस्तों है वो यहाँ पर टंकी में स्टोर करना पड़ता है, और भरने की क्या व्यवस्था है? देखिए इधर पाइप लगाया हुआ है। अच्छा ये बाहर जो है वो यहाँ से पाइप आता है, ये देख रहे हो पाइप है, उधर से जाके सुबह उठ के 4-5 बजे लगाना पड़ता है। अच्छा और फिर उसके बाद में 10-5 मिनट पानी मिलता है, 15 मिनट बस। तो इतने में कितना पानी आ जाएगा इसमें? बस यही 10 मिनट में भर लेता हूँ। हाँ इसमें खाने के लिए 2 बोतल और अंदर में रखा हूँ, वो पीने के लिए, मतलब खाने पीने नहीं, खाने के लिए सिर्फ बनाने के लिए। अच्छा और पीने के लिए खरीद के पीता हूँ, नहीं तो शूटिंग पर से पानी आता है तो उसमें से लेकर आता हूँ। अच्छा मतलब पीने का पानी तो यहाँ जुगाड़ होता ही नहीं? हाँ और नहीं जब नहीं रहता है तो फिर इसी में से पीता हूँ। अच्छा अपना ये और नहाने का जो है वो? नहाने का ये है अपना, जैसे बाथरूम ये पेशाब उशाब करना ये है, और जो लेटरिन बाथरूम है वो बाहर है, यहाँ से वही डब्बा है देखिए। अच्छा डब्बा लेके जो गांव में हम लोग जाते हैं ना। अच्छा। में लेके उसे, हाँ इसी टाइप से यहाँ के सबको लेके जाता है, औरत मर्द लड़की सबको ही सुबह सुबह देखिएगा। अच्छा लेके अपना जाएगा वहाँ पे बाथरूम करेगा। अच्छा यहाँ का मुंबई का यही सिस्टम। तो मुंबई में देखो दोस्तों गांव जैसा माहौल की डब्बा भर के पानी लेके जाना पड़ेगा, और बाहर जो सार्वजनिक शौचालय तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी लेके जाना पड़ेगा। पानी की व्यवस्था नहीं है, महीना में 20 रुपया लगता है। अच्छा 20 रुपये भी लेते हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी का जो ये सामने डब्बा है ये लेके जाना पड़ेगा बाहर, और नाना यहाँ होता है।
और कोई पैसा वगैरह करना हो तो भी यहीं नाली में करके पानी गिरा देते हैं। ये चीज और है कि मुंबई में दो चीज का बहुत कीमत है, अच्छा पानी का और दूसरा समय का। समय का पता चलता है तो मुंबई में ही बहुत ज्यादा समय का, और पानी का जो गांव में हम लोग पानी बर्बाद करते हैं, यहाँ बर्बाद क्या मतलब हाथ धोने के लिए पानी सोचना पड़ता है। अच्छा अच्छा, पानी का सबसे महत्व यही भी पता चलता है, और टाइम का भी। टाइम का तो बहुत पूरा भाग दौड़ है मुंबई। कहते हैं भाई पूरा दुनिया सो जाती है लेकिन मुंबई 24 घंटे जागती है। हाँ। मुंबई कभी सोती नहीं है। अभी देखिए मैं कल गया था काम पे सुबह 4 बजे, अच्छा, और आज दिन में आया हूँ सुबह में 7:30 बजे। अब समझ लीजिए कितना हो गया। हाँ, सुबह 4 से पूरा दिन पूरी रात। हाँ, और ये दिन का भी 4 बज गया। हाँ। तो हजार लोगों के सपने बनते भी है तो टूटते भी है। हाँ, बहुत लोग का टूट जाता है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा भी मिलेगा आपको जो रिक्शा उक्शा चलाते हैं। मैं ऐसे देखा हूँ। हाँ। बहुत सारा वीडियो। हाँ। तो वो लोग हीरो बनने के लिए आए थे और रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, तो ये एकदम ट्रैक चेंज हो जाता है। हीरो हीरोइन बनने के लिए आते हैं और यहाँ पर पता नहीं अलग ही लाइन में चले जाते हैं। और मेरा सपना ये नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा। मेरा सपना ये था कि फिल्म लगा कोई भी काम करूंगा। बस शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत बड़े बड़े स्टारों के। और ज्यादातर जो गरीब परिवार से लड़कियां बिलोंग करती है वो तो यहाँ हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में आती है और उनकी तो लाइफ पूरी दिन से रात में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, वो पूरी उनकी तो लाइफ पूरी भाई चेंज हो जाती है। वो आप जैसे अब आप समझ गए होंगे कि भाई लड़कियां पूरा वो ट्रैक चेंज कर लेती है। जैसा वो मुंबई की नाइट लाइफ आप जैसा सुनते हैं उसी वो पूरी सड़कों पे आ जाती है और फिर वो अपने हिसाब से वो धंधे स्टार्ट कर देती है। तो ये भी यहाँ पर इस प्रकार के है। घर पे पता नहीं चलता है लेकिन वो यहाँ पर इस प्रकार के धंधे चलते रहते हैं। तो ये सिस्टम नहीं है। तो मेरे मन में अभी एक क्वेश्चन आया था कि अभी जैसे कि जय भाई ने बताया कि मैं दिन के 2500 से 3000 रुपए कमाता हूँ, तो अचानक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा एक बार इनसे ये भी बात शेयर कर ली जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप दिन के 3000-4000 रुपए कमा रहे हो तो ऐसे ये रूम में क्यों रह रहे हो? अच्छा सा कोई फ्लैट ले सकते हो, अच्छी जगह रह सकते हो, तो मतलब वो भी तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा मतलब ये यहाँ रहने का कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। अच्छा। और इसमें हम लोग ज्यादातर रहते नहीं। अच्छा, बस मतलब महीना में 10 दिन 5 दिन ऐसे 15 दिन रुकते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग ज्यादा आउटडोर चले जाते हैं शूटिंग के। अच्छा। नहीं तो बस शूटिंग पे गए तो सुबह में आए 5-7 घंटा सोए, बस हो गए, खाना पीना बनाया, खा हो गया। अच्छा। तो फिर शूटिंग पे रहते हैं। और उसके बाद में हम लोग बड़ा फ्लैट नहीं लेता हूँ क्योंकि गांव में भी पैसा भेजना रहता है। हम लोग गरीब इंसान, मतलब 10-10 रुपए भी अगर बचत हो तो बचत करनी है, बचत करके घर भी घर पे भेजना पड़ता है। बाहर हो रही है बहुत ही तेज मुंबई के अंदर, मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। दोस्तों यहाँ पर चल रही है भाई चावल दाल की पार्टी, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है हमारे आज के इस वीडियो यात्रा के स्टार जय भाई, जिसका वीडियो आपने देखा ही था। और अभी हम इस प्रकार से खाना खा रहे हैं और मुंबई के अंदर इस प्रकार की पार्टी भाई पहला एक्सपीरियंस है। और देखिए आज तो बहुत बड़ा, मतलब अब तो काफी सारा स्टार बन गया है ये जय तो और इनको तो आप जानते ही, हमारे साथ है ये सैफ भाई जिसको मैं बोलता हूँ शरीफ भाई, और ठंडा पानी ठंडा वगैरह लेके आए हैं। तो भाई अभी लुक उठाते हैं कुछ खाने का। और बाहर सुहावना मौसम, बहुत तेज ठंडी हवा चलने लग रही है, बारिश चलने लग रही है। और फिलहाल इस प्रकार से ये मैंने कहा थोड़ी सी ये भाई यहाँ की ये लाइफ भी आपके साथ इस प्रकार से भी शेयर करनी जरूरी है कि भाई मुंबई में ऐसे लोग खाते हैं। अब देखो एक ये देखो मैं ऐसे ये बैठा हूँ दीवार के पास में, इधर ये सैफ भाई बैठे हैं और उधर जय भाई बैठे हैं और उधर वो रसोई आ गया। मतलब ये इतना सा रूम है, बस तीन जने बैठे हैं और इधर ये देखो बर्तन पड़े हैं और सामने ये वॉशरूम आ गया इधर ये देखो। तो ये यहाँ के ये हालात है भाई। तो ठीक है, आपने इस वीडियो के अंदर जाना कि भाई मुंबई की किस प्रकार की स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। अगर किसी के दिमाग में कीड़ा हो कि हम जाते ही वहां पर हीरो हीरोइन बन जाएं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कीड़ा निकल गया होगा दिमाग से। यहाँ पर आते ही बहुत ही हालत खराब हो जाती है मुंबई के, जैसे ही थपेड़े लगे 2 दिन तो यहाँ पर भूत उतर जाता है। या तो लोग वापस चले जाते हैं यहाँ से गांव, या फिर बेइज्जती होने के डर से, या फिर अंदर गिल्टी फील होने के डर से वापस नहीं जाते और यहाँ पर कोई दूसरा धंधा पकड़ लेते हैं, सड़क के किनारे किसी दुकान वगैरह फैक्ट्री में पकड़ लेते हैं, इस प्रकार से होता है। फिलहाल यहाँ इस रूम का आपने टूर देखा तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करना जो ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े स्टार बनना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।